हाँ जी फ्रेंड्स, आप पूछते हो ना कि ये कलर फैलते नहीं है, मैं जब प्योर ऑर्गेन्जा पे करती हूँ, ठीक है, प्योर ऑर्गेन्जा पे हमारे सेटा सिल्क कलर नहीं फैलते, ठीक है, मार्बो के हों या ये सेटा से पैबियो के सेटा सिल्क कलर हों, ठीक है। अभी ये वाला मेरा ऑर्गेन्जा है ना, जो सेमी है, ठीक है, इस पे जब मैं करती हूँ तो कलर फैलते हैं, ठीक है। अभी देखो, मैं आपको थोड़ा सा एक टच लगा कर दिखाती हूँ। जैसे मैंने ये कलर लिया, अभी यहाँ पे छोटा सा फ्लावर है, ऐसे में लगाया तो ये ऐसे फैल रहा है, ठीक है। अभी मैं इसका हल ये है कि या तो आप गुट्टा लगाओ, और या फिर अगर आप गुट्टा नहीं यूज़ करना चाहते तो आप अपने ब्रश में से कलर बिल्कुल ख़त्म कर दो। जैसे कि बस आपका ब्रश जस्ट भी समझो कि कलर हल्का सा लगा है, इतना कलर इसमें निकाल दो कि, ठीक है, बिल्कुल ख़त्म कर दिया मैंने। अभी शायद मेरे हाथ में, एक हाथ में मोबाइल है ना, तो मैं अच्छे से नहीं कर पाई होंगी। तो 1 मिनट, तो अभी मैंने अच्छे से ब्रश को खाली कर दिया, बिल्कुल बस ये हल्का सा है अभी, कर रहे हैं ना, देखो अभी कम फैल रहा है, ठीक है। अगर हमारे ब्रश में बिल्कुल कम से कम कलर होगा, 0% कलर होगा, ठीक है, 0 से बस 0% ही मान समझ लो आप, 0% हमारे ब्रश में कलर है तो ये नहीं फैलेगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा ब्लरिंग सी हो रही है साइड में, ठीक है, और बस आप यही समझ लो, सिर्फ प्योर ऑर्गेन्जा दुपट्टा है ना, वो उस पर नहीं फैलते कलर, और बाकी जो भी स्टफ होंगे सब पे ये फैलेंगे, ठीक है, ओके।